हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नमिका किचन। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ सांभर की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। सांभर बनता है अरहर दाल से, लेकिन आज मैंने इसको अरहर दाल से नहीं, मसूर दाल से बनाया है। बहुतों को अरहर दाल खाने से गैस की प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों ना मसूर दाल से बनाया जाए। और ये टेस्ट में बिल्कुल भी अलग नहीं था, बहुत ही टेस्टी और यमी बनता है। तो चलिए देखते हैं कि मैंने कैसे इसको बनाया है। सबसे पहले तो मैंने एक कटोरी भर के मसूर दाल को धो लिया था। धो के इसमें मैंने कुकर में डाल दिया, और दो ग्लास पानी आप डाल दीजिए। साथ ही साथ इसमें हल्दी और नमक भी डाल दीजिएगा। हल्दी आप आधा चम्मच डाल दीजिए और नमक एक चम्मच डाल दीजिए। इन सबको हम बाद में भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। सब्जियों में मैंने गाजर और फ्रेंच बीन्स लिया है। आप चाहे तो लौकी, कद्दू और बाकी जो सब्जी आपके फ्रिज में वो भी इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा हींग डाल दिया था, इससे गैस नहीं होता है। दाल में ज़रूर डालिएगा। और इसको मैंने गैस के ऊपर चढ़ा दिया। दूसरी तरफ इडली बन रहा था, और बस एक ही सीटी लगाएंगे। ज़्यादा सीटी लगाएंगे ना तो ये एकदम पूरा खिचड़ी बन जाएगा। अब मैंने तड़का प्रिपेयर करने के लिए कढ़ाई रख दिया। कढ़ाई में मैंने 4-5 चम्मच मैंने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला। जैसे तेल गर्म होगा उसमें हम सरसों डाल देंगे, सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल देंगे। कड़ी पत्ता को आप जलने मत दीजिएगा, बिना जले ही उसको हम तुरंत उसमें प्याज डाल देंगे। और प्याज को भी हमको छोटा ही लेना है। कोशिश कीजिए जो छोटे वाले शैलट्स मिलते हैं ना उनको डालिएगा, और एकदम बहुत बड़ा प्याज मत डालिएगा। नहीं है तो बड़ा ही डालिएगा, लेकिन अगर है आपके पास तो कोशिश कीजिए छोटे डालिएगा। 2 से 3 छोटे छोटे प्याज मैंने काट कर इसमें डाल दिया। और प्याज को एकदम बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, थोड़ा पक जाए उतना ही काफ़ी है। टमाटर डाल देना है साथ साथ, और टमाटर डालने के बाद वापस से मैंने कड़ी पत्ता डाल दिया। कड़ी पत्ता तो बस जितना खाए उतना अच्छा है, इसलिए मेरे को बहुत पसंद है पर्सनली, इसलिए मैंने इसमें कड़ी पत्ता और थोड़ा ऐड कर दिया। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और टमाटर को आप देख सकते हैं पूरा मैश नहीं करना है, बस थोड़ा चंक्स रह गया, थोड़ा पक गया, उतना ही हमको उसमें पकाना है। और मैंने इसमें क्या किया था, इमली का गूदा रखा था पानी में मिलाकर, उसको मैंने इसका पानी डाल दिया है। और इमली के जो खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए सब लोग गुड़ डालते हैं, तो मैंने क्या किया है, मैंने थोड़ा सा इसमें किशमिश डाल दिया है। एक मैंने रेस्टोरेंट में खाया था, तो वहाँ पर मैंने देखा था उसमें सांभर में किशमिश डाला था, तो ये आइडिया मुझे वहीं से मिला था। अब इसमें हम डालेंगे सांभर पाउडर। 2 चम्मच मैंने सांभर पाउडर डाल दिया। ये होममेड सांभर पाउडर है, इसको मैंने अपने घर में बनाया था। इसका आप वीडियो देखना चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कोई भी चीज़ को इसमें हम ओवर कुक नहीं करेंगे, जैसे बाकी सब्ज़ी में मैं बताती हूँ ना कि प्याज को अच्छे से पकाना है लाल होने तक, टमाटर को भी अच्छे से पकाना है, इसमें ऐसा नहीं है। दाल में थोड़े चंक्स आते हैं तो अच्छा ही लगता है। तो अब इसमें हम जो बॉईल किया हुआ दाल था वो भी ऐड कर देंगे, और साथ ही साथ थोड़ा सा हम इसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर देंगे, क्योंकि हम इसको अच्छे से बॉईल करेंगे, इसको हमको पकाना ज़रूरी है। जितना पकाएंगे ना उतना ज़्यादा अच्छा इसका टेस्ट आएगा। इसीलिए इसी वक्त आप शुरू में पानी डाल दीजिए, और ढक, जैसे मेरा कढ़ाई बड़ा है तो इसलिए मैंने पूरा ढक दिया था, तो दाल पूरा ऊपर तक आ जाता है। आप ऐसे पूरा मत ढकिएगा, थोड़ा सा खोल कर ही रखिएगा इसको। ये दिखा रही हूँ मैं कढ़ाई कि ऊपर तक आ गया था मेरा दाल, तो बच गया क्योंकि ये थोड़ा बड़ा कढ़ाई था बोल के, अगर छोटा होता तो बाहर निकल जाता। तो वापस से मैंने थोड़ा सा कड़ी पत्ता डाल दिया, और इसको मैंने आधा ढक के इसको 15 से 20 मिनट तक पका लिया। अब इसका कलर देखिए दाल का कितना सुंदर हो गया, अभी एक हो गया है। पहले पानी अलग दिख रहा था, थोड़ा सब्जी अलग दिख रहा था ना, तो अब देखिए एकदम पूरा एक हो गया। और ऊपर का जो झाग निकलता है ना मैं उसको काट के फेंक देती हूँ। तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करके साथ साथ इसको गरम गरम इडली के साथ, डोसा के साथ सर्व कीजिए, और गरम गरम इसको खाइए। तो मैंने भी आज संडे का दिन था, जो रेस्टोरेंट में ऐसे मग से डालते हैं ना, तो मैं भी ऐसी डाली हूँ आज। तो आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। वापस से मैंने धनिया पत्ता के जगह में थोड़ा सा कड़ी पत्ता ही डाल दिया, और इसको गरम गरम मैं इडली और डोसा के साथ सर्व करूँगी। तो ये सुबह, आज संडे का दिन था, तो मैंने डोसा बनाया था, ये डोसा सर्व कर दिया गरम गरम। और ये है सांभर जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया, और ये है मूंगफली की चटनी, और साथ ही साथ इडली। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।